8 ओवर का ये मुकाबला होगा जो कि 40 मिनट में पूरा करना है। मैच शुरू हो चुकी है। पहले ओवर की पहली बॉल यहां पे सीधे कवर फील्डर के पास खेला है। एक रन के साथ दोनों बैट्समैन ने अपनी दौड़ लगाई और इसे एक रन के साथ मुस्लिम इलेवन का खाता खुलता हुआ, एक रन के साथ खाता खुलता हुआ। आज सवेरे टॉस जीता था मांगेला इलेवन ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। इस जवाब में पहली गेंद पर यहाँ पे एक रनों से खाता खुलता हुआ। इस ओवर की दूसरी गेंद जहां पर भी दोनों बल्लेबाज ने एक रन के साथ खाता खोला है, दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने अकाउंट एक एक रन से खोल दिए हैं। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसे सिंगल के साथ 3 रन। इस ओवर की अगली बॉल यहां पे और एक रन के साथ फिर से दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े हैं। चौथी गेंद पर भी यहां पे सिंगल आया, पहली बॉल पे सिंगल, दूसरी पे सिंगल, तीसरी पे सिंगल, चौथी पे लगातार यहां पे 4 गेंदों पे सिंगल रन आ चुके हैं। तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी के साथ 4 रन। दिलीप भाई और यहाँ पे देखो बॉल बैक ड्राइव मारा है, कोई आसपास फील्डर नहीं है, दीप के फील्डर वहां पे पीछा करेंगे और नहीं रोक पाएंगे। ये गेंद सीमा रेखा के पार, वेल कनेक्टेड शॉट। एक और सुंदर शॉट है लेकिन इस बार प्लेसमेंट नहीं, सीधे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास। एक लॉन्ग ऑफ बाहर के जो फील्डर है उसमें लॉन्ग ऑन जो है वाइड थोड़ा सा रखा गया है। तो पहले ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद एक चौके की सहायता से 9 रन बना ली है मुस्लिम इलेवन ने। मांगेला इलेवन ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, उसके जवाब में यहां पे एक ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 9 रन। ये बता दूं कि ये 8 ओवर का मुकाबला 40 मिनट में ख़त्म करना होगा, अदरवाइज अंपायर जो है जाने माने हमारे वलसाड डिस्ट्रिक्ट के आसिफ भाई और प्रीत भाई जो है ये बराबर उनका ध्यान रहेगा, वो फिर आपको कुछ ना कुछ पेनल्टी देंगे, इसीलिए आपको 40 मिनट के अंदर आपको पूरा करना है। थर्ड अंपायर हमारे जीतू भाई पटेल और मैं बता दूं कि आज का ये जो लाइव टेलीकास्ट हमारा हो रहा है फॉर्च्यून दोनों टीमों के पास दो दो रिव्यू मिलेंगे और वेस्ट अगर हो गए तो फिर आगे नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर आप पास हो गए तो आपको कंटिन्यू रहेगा। वेस्ट हाई और बीमर के लिए है और तीसरा जो है रनआउट के लिए। इस बार देखो सुंदर कवर ड्राइव मारा है, सुंदर लेकिन उतना ही सुंदर सुंदर फील्डिंग यहाँ पे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। अभिषेक सामने की ओर से गेंदबाजी कर रहे, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल अंकों में इसी के साथ 10 रन। 10 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ।
बहुत ही अच्छी शुरुआत, खुशनुमा वातावरण, फैंसी परिवार के द्वारा आयोजित फैंसी कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 में पधारे हुए सभी महानुभव एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और इस बार देखो लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, बहुत ही सुंदर यहाँ पे शॉट, और इसी के साथ ये सीमा रेखा के पार गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। शाहरुख के द्वारा दोनों एक एक चौके मारे, बिल्कुल संभाल करके खेला था, बिल्कुल संभाल करके धीमे से जेंटल पुश किया था कवर रीजन में, और दोनों बल्लेबाज ने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया, और आंखों में इशारा करते ही यहां पे एक रन हासिल कर लिया। इसे एक के साथ ही आगे बढ़ता हुआ 15 रन, 15। और ये अच्छा शॉट है लेकिन प्लेसमेंट फिर से नहीं है, फिर से एक रन मिलेगा, फिर से एक रन मिलेगा। तो ये इसी के साथ टीम का स्कोर 1.4 के बाद 16 रन, 4 गेंदे हो चुकी है, टीम का स्कोर है इस ओवर से 16 रन। एक रन, सटीक बल्लेबाजी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। यहाँ पे देखो मुस्लिम इलेवन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी जोखिम नहीं रहा, उठा रहे, औसत भी काफ़ी अच्छा, रन भी काफ़ी अच्छे ले रहे, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग। और ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्त हो चुके, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 17 रन। तो मैं बता दूं आपको कि ये फैंसी कप सीजन 4 टूर्नामेंट, जिसकी जो प्राइस जो है 1,11,000, और जीतने वाली टीम को रोकड़ मिलेंगे 1,11,000 प्लस आकर्षक ट्रॉफी मिलने वाली है, रनर्स अप टीम को 55,000 मिलने वाले हैं, और आकर्षक ट्रॉफी वैसे ही 3 नंबर और 4 नंबर टीम को मिलने वाले हैं 5,000 रुपये के नगद पुरस्कार। वैसे मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी को मिलेंगे 21,000, 5 खिलाड़ी को मिलने वाले हैं प्राइजेस 21,000 प्लस ट्रॉफी, 15,000 प्लस ट्रॉफी, 11,000 प्लस ट्रॉफी, 4,000 प्लस 7,000 प्लस ट्रॉफी और 5,000 प्लस ट्रॉफी मिलने वाले हैं। तो ये मैन ऑफ द सीरीज के इनाम से, और फाइनल में जो भी मैन ऑफ द मैच बनेंगे उनको स्पोर्ट्स शूज मिलेंगे, और आज टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन के लिए भी 11,000 प्लस ट्रॉफी, 7,000 प्लस ट्रॉफी और 5,000 प्लस ट्रॉफी, 3 बैट्समैन को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इस बीच तीसरे ओवर की पहली बॉल लेकर के गेंदबाजी करने के लिए आएंगे हैं दिलीप मांगेला। दिलीप भाई गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे शौकीन, शौकीन। और इस बीच देखो शौकीन ने बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव मारा है, 1 रन के लिए निकले हैं, क्या मौका है दूसरे रन के लिए? जी नहीं, दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं है। और इसी के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने छोर बदली किए, तो 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तीसरे ओवर में 18 रन विदाउट लॉस। और ये बड़ा हिट का प्रयास किया था कि जिस पर भी चौका यहाँ पे मिल सकता था, लेकिन बैटर बॉल का संगम नहीं करा पाया। दिलीप भाई काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है, कोई मौका नहीं दिया है, बल्लेबाज को बांध लिया है, तो डॉट के साथ स्कोर वहीं रुका हुआ। इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया था, सीधे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, ये जो है बहुत ही जबरदस्त
दिलीप भाई फिर से एक बार यहां से इस एंड से राइट आर्म ओवर दी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस बार बल्लेबाज ने रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया था लेकिन नाकामयाब रहे। कोशिशें हमेशा कामयाबी दिलाती है लेकिन इस बार कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया बल्लेबाज। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 19 रन। और इस बात को स्वीप करने का प्रयास किया है, जोरदार अपील हुई थी पगबादा की लेकिन अंपायर ने कहा कि नो भाई, ये बॉल जो है स्टंप के बाहर जा रही थी, स्टंप को नहीं टिच रही थी, दैट्स वाई यहां पे लेग बिफोर विकेट नहीं मिलेगा, लेग बाय के रूप में एक रन मिलता हुआ। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। तो यहां पे पिछली बॉल पे जबरदस्त बीट किया था दिलीप भाई ने यहां पे। यहां पे देखो सूर्या की स्टाइल में मारने का प्रयास किया था, सफल हो गया बल्लेबाज लेकिन बाउंड्री में कन्वर्ट कराने में सफल नहीं हो पाए। और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति, तीसरे ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 7 की औसत से। ने पहले 11 ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। और मैं बता दूं आपको कि आज से सारी टीमें जो है बी ग्रुप की टीमें जो है आईपीएल के कोड में नजर आने वाली है, आईपीएल के ड्रेस कोड में। तो टंडल 11 जो है, नहीं सॉरी ये तो बदल गया, दूसरा बनना है, ये आईपीएल के ड्रेस कोड में नजर आएगी टंडल। तो ये तो ए ग्रुप में थे, तो बी ग्रुप में देखो यहाँ पे मुस्लिम 11 और मांगेला 11 है। और ये जो देखने को मिलने वाले हैं जो कि मुस्लिम 11 जो है हैदराबाद आईपीएल की जो टीम है उस ड्रेस में रहेगी, और वैसे मांगेला जो है दिल्ली। विशाल भाई आया है सामने की ओर से गेंदबाजी करने के लिए। इस बार अच्छा शॉट उठा के मारने का प्रयास किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, बहुत ही अच्छा प्रयास यहां पे, सीधे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों में यहां पे मार बैठे बल्लेबाज। अपनी टीम को सफलता दिलाई विशाल भाई ने, तो ये बहुत बड़ी सफलता। शाहरुख जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 11 गेंदों में 11 रन बनाए एक चौके की सहायता से, लेकिन वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस बार खेलना चाहते थे, 6 रन के लिए जा रहे थे लेकिन उनका जो है पहले टाइम नहीं हो पाया, और टाइम नहीं हो पाया और चेतन भाई ने वहां पे कैच कर लिया है। तो ये पहला विकेट यहां पे 21 रनों पे। नए बल्लेबाज जिनको कि पहले रन की तलाश है, साहिल, नए बल्लेबाज साहिल आए हैं जिनको कि पहले रन की तलाश है। रिवर्स स्वीप यहां पे जबरदस्त कनेक्शन बैटर बॉल का, लेकिन वहां पे फील्डर तैनात है अमृत भाई जिन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग करी, और इस बीच बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन के बीच में। 2 रन के साथ यहां पे साहिल ने अपना खाता खोला है और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
फिर से रिवर्स स्वीप आने का प्रयास किया है। लेकिन इस बार बल्लेबाज सफल नहीं हो पाए। अंपायर का इशारा यहां पे बाई का आता हुआ, तो एक्स्ट्रा का खाता भी यहां पे खुलता हुआ। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन एक विकेट के नुकसान पर, जबकि 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर से। और इस बार जगह बना करके खेलने का प्रयास किया था। गेंद हवा में रही और सीधे फील्डर के पास। गौरव के भाई बहुत ही सुंदर गेंदबाजी विशाल भाई के द्वारा, जिन्होंने अब तक 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किया और 2 बड़े बहुमूल्य विकेट यहां पर हासिल कर लिए हैं। तो 24 पे 2 टीम का स्कोर इसी के साथ रुका हुआ 24 पे 2। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आउट होकर के पैवेलियन जा चुके हैं। दोनों ही बल्लेबाज 1 डाउन और 2 डाउन यहां पर आगे बढ़ते हुए। साबिर मुल्ला नए बल्लेबाज, जिनको कि पहले रन की तलाश है, विशाल भाई के सामने गेंदबाजी करेंगे सामना करेंगे। और ये आते ही बहुत ही अच्छा ग्राउंड शॉट डाउन द ग्राउंड, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक यहाँ पे, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास जाती हुई गेंद काफ़ी तेजी से। 4 ओवर यहाँ पे समाप्त होते हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 25 रन। होता हुआ जीतने वाली टीम को मिलेंगे 1,11,000 रुपए का रोकड़ पुरस्कार, और वैसे ही आकर्षक ट्रॉफी मिलने वाली है। रनर्स अप टीम को 5,000 रुपया प्लस आकर्षक ट्रॉफी, 3 नंबर और 4 नंबर टीम को मिलेंगे 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार। वैसे मैन ऑफ द सीरीज 5 खिलाड़ियों को मिलने वाली है। वैसे पहले को मिलेंगे 21,000 प्लस ट्रॉफी, दूसरे को 15,000 प्लस ट्रॉफी, तीसरे को 11,000 प्लस ट्रॉफी प्लस, चौथे को मिलेंगे 7,000 प्लस ट्रॉफी और पांचवे को मिलने वाले हैं 5,000 प्लस ट्रॉफी। मैन ऑफ द सीरीज फाइनल में मैन ऑफ द मैच को मिलेंगे शूज़, और वैसे ही मैन ऑफ द सीरीज के 5 बैट्समैनों को प्राइज मिलने वाला है 11,000 प्लस ट्रॉफी, 3 बैट्समैन को मिलने वाला है 11,000 प्लस ट्रॉफी, 7,000 प्लस ट्रॉफी और 5,000 प्लस ट्रॉफी दी जाएगी। तो ये आकर्षक बल्लेबाजों के लिए भी आकर्षण है, वैसे गेंदबाजों के लिए भी आकर्षण है। बेस्ट बॉलर को मिलेंगे, पहले को मिलेंगे 11,000 प्लस ट्रॉफी, दूसरे को 7,000 प्लस ट्रॉफी, तीसरे को मिलेंगे 5,000 प्लस ट्रॉफी। और वैसे ही यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर प्रशांत भाई आया है गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटा का। पहला ओवर लेकर के आए हैं टीम के कप्तान,
एक रन के साथ बल्लेबाज दौड़ पड़े और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। छब्बीस रन सुंदर यहाँ पे मारा जरूर है, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे है, एक आसान सा कैच यहाँ पे बना लिया है और इसी के साथ देखो ये विकेट गिरता हुआ तीसरा। के ऊपर से 6 रन मारने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन कामयाबी नहीं मिली यहाँ पे बल्लेबाज को और इसी के साथ मिलता हुआ ये तीसरा विकेट। साहिल भाई जो कि बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहे थे लेकिन वो विफल रहे यहाँ पे और इसी के साथ ये तीसरा विकेट। नए बल्लेबाज मोहतसिन, हाँ ये देखो आते ही हाजिरी लगाई। ओ माय गॉडनेस, थोड़े से यहाँ पे पावर कम मिला, हाइट अगर ज्यादा हो जाती और ऊपर चला जाता, दूरी अगर तय हो जाती तो ये 6 हो सकता था। पहली बॉल के साथ ही 6 के साथ अपना खाता खोल पाते लेकिन ऐसा हो ना सका। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कैच वहां पे विशाल भाई ने। भाई तो बहुत ही अच्छा कैच वहां पे किया था यहाँ पे पहली बॉल के साथ ही 6 रन के साथ मोहतसिन ने शुरुआत करने का प्रयास कर लिया था कि आते ही अटैक करे, जहाँ पे स्कोर यहाँ पे 4 ओवर में थोड़ा सा कम हो गया था इसीलिए आते ही शुरुआत करे, अटैक करने की शुरुआत करी थी लेकिन पहली बॉल के साथ ही यहाँ पे देखो गेंद को सीमा रेखा के पार नहीं करा पाए और इसी के साथ ये लगने वाला चौथा झटका। 26 पे 4 नए बल्लेबाज आए हैं अनस खोट। रनों की जो खोट हुई देखना है कि ये अनस खोट किस तरह से फुलफिल करते हैं, आने वाला पल बताएगा। फिलहाल हैट्रिक के लिए गेंदबाजी करेंगे कप्तान प्रशांत। ये बॉल यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छी करी थी यहाँ पे, यॉर्क तो कर दिया था लेकिन बल्लेबाज ने बिल्कुल सूझबूझ के साथ इसको खेला है और हैट्रिक यहाँ पे चूकता हुआ गेंदबाज प्रशांत का। ये 12वें गेंदबाज हो चुके हैं हैट्रिक के लिए गेंदबाजी करी इस टूर्नामेंट के। ये बड़ा हिट मारने का प्रयास लेकिन जगह से ही अगर आप खड़ा रहोगे तो इस तरह से बॉल पे नहीं जा पाओगे, तो ये यहाँ पे होता हुआ 27, 4 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ यहाँ पे हल्का सा एज लगा विकेट कीपर ने, बहुत ही अच्छा कैच, एक और विकेट यहाँ पे गिरता हुआ
हैट्रिक तो नहीं हुआ लेकिन ओवर में हैट्रिक हुआ है, ओवर में 3 विकेट जरूर है। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 27 पे 5, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी यहां पे, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी कप्तान प्रशांत के द्वारा। एक ओवर सिर्फ 2 रन खर्च किए और 3 बड़े बड़े विकेट ले लिए। नए बल्लेबाज अलसेफ आए हैं, बल्लेबाजी करने के लिए और गेंदबाजी करने के लिए। देखना है कि कप्तान किसको लगाते हैं। इस ओवर की 6ठे ओवर की पहली बॉल, यार ये सुंदर बॉल यहां पे घुमा के मारने का प्रयास किया था बल्लेबाज लेकिन सफल नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिलहाल 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5.1 ओवर की समाप्ति के बाद। और ये सुंदर यहां पे खेला है डाउन द ग्राउंड, बहुत ही अच्छा खेला है। 1 रन के लिए निकल पड़े बैट्समैन, दूसरे रन के लिए अवसर बनाया और अवसर बना अवसर बनता हुआ और इसी के साथ टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 29 रन। मैं बता दूं यहां पे जो टीमें जो खेल रही है वो अपना डगआउट में रहेंगे, जो अभी आ रहे जिनका अगला मैच होगा उनको बाजू में जो है रेस्ट हाउस जो है डग बनाया गया है उसके अंदर आपको जाके वेट करना है। और ये सुंदर सुंदर स्ट्रोक ग्राउंड शॉट मारा है, आकर्षक स्ट्रोक है। यहाँ पे 1 मिलेगा दूसरे के लिए निकल पड़े हैं जरूर, लेकिन देखो यहाँ पे दूसरे के लिए निकल पड़े थे लेकिन देखो वापस नहीं आ पाए, रन आउट। यहाँ पे रन आउट, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग अलसेफ। थोड़े से आगे निकल गए थे कि यहां पे जैसे पिछली गेंद पे 2 रन बन गए उसी प्रकार से यहां पे दूसरा भी रन आ जाएगा, यही सोच विचार में निकले थे अलसेफ, लेकिन सेफ नहीं हो पाए, रन आउट के रूप में यहां पे आउट होते हुए। और मैं ये बता दूं यहां पे कि दर्शकगण के लिए भी यहां पे प्राइज रखा गया है, जो कि सिक्सर आएगा और वो कैच करेंगे तो उनको फैंसी वॉच मिलेगा। कई दर्शकों ने यहाँ पे ये फैंसी वॉच अब तक हासिल कर लिया है, आप लोगों के लिए भी यहाँ पे करीब 25 के आसपास का यहाँ पे दर्शकों ने यहाँ पे फैंसी वॉच जो है कैच करके ले लिया है। एग्जैक्टली फिगर नहीं पता लेकिन 22-25 है ऐसा। तो ये आज की जो बी ग्रुप की जो लीग मैच शुरू हो गई है तो ये सारे दर्शक जो आए हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, प्लेयर भी अगर बाद में बाहर से बैठ से पकड़ेंगे तो उनको भी मिलने वाला है ये फैंसी वॉच, जो भी पकड़ेंगे मिलेगा। और इस बीच इस ओवर की अगली बॉल, और ये सुंदर गेंद अंदर रहती हुई गेंद को हल्के से खेला था बिना कोई रन के लिए बल्लेबाज ने। सुंदर 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 बॉलिंग यहां पे, बहुत ही सुंदर बॉलिंग लेकिन उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी। डाउन द ग्राउंड अच्छा खेला था, डाउन द ग्राउंड अच्छा खेला था। और मैं बता दूं आपको ये जो 8 ओवर का मुकाबला जो है पारी को देखो 40 ओवर में संपन्न करना है, 1 ओवर के लिए 40 मिनट
और ये सुंदर सुंदर फिर से एक बार प्रयास जरूर किया था, सुंदर प्रयास किया। तो इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 6 विकेट के नुकसान पर 32 रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद एक पारी 40 मिनट में पूरी करनी है। नए ओवर की पहली बॉल यहाँ पे सीधा यहाँ सामने की ओर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन रन के लिए नहीं। प्रशांत बहुत ही कड़क गेंदबाजी करी है, 3 विकेट ले लिए है देखो 7 गेंदों में। और ये सुंदर सुंदर शॉट है यहाँ पे, क्या एक और विकेट जा सकती है? जी हाँ, यहाँ पे एक और विकेट। कैच किया है, एक और विकेट यहां पे गिरता हुआ। मुस्लिम 11 थोड़ी सी तकलीफ में, यहां पे दिक्कत में दिखाई दे रही है। तो ये 7वां विकेट 32 रनों के योग पर, और अपने खाते में ये 4था विकेट यहां पे जमा करवाया है। नए बल्लेबाज सुफियान आए हैं, मैं बता दूं आपको, ये 8 ओवर की जो पारी है उसमें 40 मिनट में ख़त्म करना है। अगर आप अगर 40 मिनट के अंदर ख़त्म नहीं करेंगे तो अंपायर जो है एक ओवर जो है अंदर ले लेंगे फील्डर को। एक प्लेयर को अंदर ले लेंगे, क्यों, जिससे क्या होगा कि आपका फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन में आ जाएगा। और ये अच्छा शॉट है इस बार, क्या ये मैक्सिमम आएगा, क्या ये दर्शक कैच करेंगे? ये पहला मैक्सिमम भी का, ये पहला मैक्सिमम। प्रभावित किया है, पहली बॉल 6 रन के साथ अपना खाता खोला है और टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 38-7। टीम का स्कोर है। एक और यहां पे उछाल के मारने का प्रयास किया है, ये नोमैन लैंड एरिया में जाकर के गिरी, 1 रन के लिए निकले हैं, दूसरे रन के लिए भी वहां पे पहुंचते हुए, और ये दूसरा भी रन बड़े आसानी के साथ पूरा कर लिया। 2 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन, 40 रन लगातार 2 गेंदों में। थोड़ी सी यहां पे गर्मी आती हुई बैटिंग में, 6 के बाद 2 यहाँ पे हासिल कर लिए है, 7 विकेट के नुकसान पर 40 रन।
अच्छी गेंद यहाँ पे, हाउस दैट, सवालिया निशान यहाँ पे, पीछे से स्टंप उड़ा दिए थे। हाँ और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ये टूर्नामेंट फैंसी क्रिकेट कप सीजन 4 2024 में ये कुछ फेयर प्ले अवार्ड भी रखा गया है। फेयर प्ले की बात करूँ यहाँ पे, देखो 2,500 रुपया और प्लस ट्रॉफी है। और इसमें मैं बता दूं कि धोड़ी 11 टॉप पर रही है ए ग्रुप में, ग्रुप ए। सुंदर सुंदर यहाँ पे, सुंदर शुरुआत यहाँ पे इस ओवर की। अभिषेक के द्वारा सुंदर शुरुआत यहाँ पे होती हुई, दोनों बल्लेबाज में आपस में कुछ बातें करी है, समझाया है कि भाई व्हाइट बॉल। इस बीच व्हाइट बॉल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन, 41 वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। अच्छी बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग, अच्छी वापसी, क्रॉस बल्ले से ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज, बल्ले पे बॉल नहीं आई और इसी के साथ कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, 41 रन टीम का स्कोर। इकतालीस पर सात, और इस बार यहां पे 1 रन के लिए अच्छा कवर दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक 1 रन के लिए निकल पड़े बैट्समैन। दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया है, ओवर थ्रो थोड़ा सा हुआ लेकिन यहाँ पे बल्लेबाज साहलम, और इस बार देखो साहलम ने यहाँ पे उठा के मारने का प्रयास किया था और गेंद हवा में है, एक आसान सा एक्स्ट्रा कवर के आसपास से फील्डर ने कैच लिया है। विकेट हाथों में है दो, तो चलो भाई जा करके कोशिश करवा लेते हैं। और स्ट्राइक शाहरुख ने, सुफियान ने ऐसा समझा कि मैं स्ट्राइक ले लूं और यहां से कुछ चौके छक्के लगा लूं और टीम का स्कोर आगे बढ़ाऊं, यही सोचते हुए अपने पास स्ट्राइक रखने के लिए ये कमाल किया है। तो ये विकेट गिरता हुआ यहां पे रन आउट के रूप में। तो 43 पे 8 वाइड के साथ 44 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44। ये सुंदर सुंदर यहां पे सुंदर गेंदबाजी, लेकिन उसके ऊपर सुंदर स्ट्रोक मारने का प्रयास किया था और ये यहां पे आउट।
हो चुके हैं, जीत के लिए 45 रनों का लक्ष्यांक यहां पे दिया है। और मैं निवेदन करूंगा यहां पे अगला मुकाबला जो होने को है माहियावंशी 11 और बारी 11, दोनों टीम के कप्तान को मैं निवेदन करूंगा टॉस के लिए आ जाए। माहियावंशी 11 और बारी 11 के कप्तान को मैं निवेदन करूंगा टॉस के लिए आ जाए। मायावंशी 11 और बारी 11 के कप्तान से विनंती है कि टॉस की कार्यवाही के लिए आ जावे। जहां तक मैं बात करूं गुरु बे के मुकाबले की, तो फैंसी 11 और धर्म 11 आगे निकली और 8 टीमें बिल्कुल इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। लेकिन अगले साल धूड़ी 11 को क्वालिफाई राउंड खेलना होगा, क्योंकि 8वें नंबर पर जो टीम रहेगी वो क्वालिफाई मुकाबले खेलकर ही फैंसी कप खेल सकती है। और वहीं बी ग्रुप में जो भी 8वें नंबर पर रहेगी उस टीम को क्वालिफाई राउंड खेलना होगा। और फेयर प्ले अवार्ड रखा गया है, तो अच्छा बिहेवियर करे, अच्छा वर्तन करे सभी के साथ, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे अंपायर हो, चाहे आपके ग्राउंडसमैन हो, चाहे आपका कमेटी मेंबर हो, तो सभी के साथ अच्छा बिहेवियर करे। तो फेयर प्ले में जो भी 16वें नंबर पे खराब प्रदर्शन करके रहेगी, यानी बातचीत में व्यवहार में, तो उस टीम को अगर वो फाइनल भी जीती होगी तो उसको इस अगले साल सीजन 5 में खेलने के लिए क्वालिफाई राउंड खेलना होगा। अब मैं बता दूं कि इस ग्रुप ए की लीग मुकाबले हुए उसमें सबसे लोवेस्ट स्कोर में बता दूं, आज पहला मुकाबला है उसमें शायद 45 से ऊपर कुछ रन बने हैं, लेकिन लोवेस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट का अभी तक के लिए बिल्कुल उत्तर भारतीयों के नाम, जिन्होंने 33 रन पे अपनी पारी पूरी गवाई थी। और दूसरी बात ये बता दूं, उस 33 रन को करते करते सामने वाली टीम के पसीने छूट गए थे। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो 33 रन चेज हुए थे, और जिसमें हरपति समाज बिल्कुल अपने 3 विकेट इन्होंने कैच के रूप में बचा लिए थे। अगर वो कैच पकड़े जाते तो शायद उत्तर भारतीय भी ऊपर आ सकती थी। अब अल्पेश भाई और विजय भाई दोनों ही मायावंशी और बारी समाज के कप्तान यहाँ मौजूद है। पहले ओवर की पहली बॉल यहां के देखो उठा के मारा है 4 रनों के लिए, 4 के साथ यहां पे खाता खोला है। चार के साथ गौरव ने खाता खोला। दूसरी बॉल यहां पे देखो डॉट बॉल के साथ अच्छी वापसी यहां पे, टीम का स्कोर इसी के साथ 4 रन।
आफाक यहाँ पे इस बॉल को मिड विकेट रीजन में हल्के से धकेला है, एक रन के लिए निकले हैं। क्या दूसरा रन के लिए टाइम मिलेगा? जी नहीं, दूसरे रन के लिए कोई टाइम नहीं है यहाँ पे। तो 5 रन टीम का स्कोर इसी के साथ, और 5 रन जो बनाकर नॉन स्ट्राइकर पर पहुंचे है वो है गौरव, और अभी पहली बार अमृत भाई जो है स्ट्राइक लेंगे, जिनको कि पहले रन की तलाश है। जीत के लिए 45 रनों की आवश्यकता है। सुंदर सुंदर यहाँ पे सुंदर आकर्षक स्ट्रोक जहां पे देखो पावर प्ले का यहाँ पे फायदा उठाते हुए, और इसी के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। सुंदर यहाँ पे सुंदर फिर से एक बार सुंदर खेला है, एक रन के लिए निकले हैं। क्या टाइम है दूसरे रन के लिए निकले हैं। थोड़ी सी जल्दी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे दोनों ने भी अच्छी दौड़ के साथ 2 रन यहाँ पे पूरा करते हुए 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल अंकों में 11 रन। अब यहाँ बिल्कुल मायावंशी वर्सेस बारी 11 के बीच टॉस की कार्यवाही होगी। दो कदम बाहर निकाले और खेला है सीधे मिड ऑन के फील्डर के पास। जब तक कि फील्ड करते दोनों बल्लेबाज 1 रन के लिए निकल चुके थे। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ विदाउट लॉस 12 रन, 45 रनों का टारगेट। मैं बता दूं 2023 में मांगेला वॉरियर्स रनर्स अप रही थी, और आज उस फाइनल के बाद पहला मुकाबला खेलती हुई यहाँ फैंसी कप में। तो यहां मैं विजय भाई से जाना चाहूंगा, विजय भाई प्लीज आ जाए। विजय दमनिया, टॉस की आप जीत चुके हैं, तो टॉस जीतने के बाद आपका डिसीजन क्या रहेगा, और तो आप बताएं हमें। टॉस जीतने के बाद पहले हम फील्ड करेंगे। और अल्पेश भाई, बारी समाज शायद राम रहीम ग्राउंड के ऊपर आपकी टीम क्वालिफाई करी थी, आप बहुत खुश थे, तो आप क्या कहेंगे, आपको बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है। पहली बार हम लोग ये फैंसी कप में खेल रहे हैं, उसका हम लोग को बहुत अच्छा है, और पहली बैटिंग है हमारी, तो 70-80 रन बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे अल्पेश बारी लोन के कप्तान। तो यहाँ मायावंशी 11 ने वन द टॉस इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। तो टीम का स्कोर यहां पे दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है, दूसरे ओवर में यहां पे 14 रन पर पहुंच चुके हैं। दोनों बल्लेबाज ने अच्छी बल्लेबाजी करी, अच्छी शुरुआत दी, और यहां से रिवर्स स्वीप मारा है बहुत ही तेज, यहां पे पीछा किया, गेंद का नहीं रोक पाएंगे, और गेंद निकल गई सीमा रेखा के पार।
मिला है, पहला मुकाबला है। ये दोनों टीम बहुत ही बड़ी है, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही फाइट होगी, लेकिन शुरुआत जिस तरह से पहली बॉल से चार के साथ किया था गौरव ने शुरुआत, तो वहाँ पे बहुत ही आगे जा रहा है दोनों जन। तो 2 ओवर 24 रन। और वही मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पहले साल में चैंपियन बने थे फैंसी इलेवन, और दूसरे साल में बने थे चैंपियन मुस्लिम इलेवन, और तीसरे साल में चैंपियन बने थे जेडी किंग, और अब ये चौथे साल में देखना है कि कौन क्या बनते हैं। लेकिन लास्ट ईयर की यहाँ पे जो है मांगल्य समाज की टीम जो है रनर्स अप रही थी, तो ये मुकाबला यहाँ पे देखो उन्होंने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से प्रैक्टिस करके आए, जिस तरह से मुस्लिम इलेवन को बांधे रखा है 44 पे ही और 45 का टारगेट पाया है, उस प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी और कमाल की गेंदबाजी मांगल्य समाज के द्वारा। अगली बॉल इस ओवर की, और पहली बॉल को यहां पे रिवर्स स्वीप मारा है, देखना है कि, और वहां पे क्षेत्र रक्षण बहुत ही भारी क्षेत्र रक्षण, निश्चित तौर से निकल जाती है चार रनों के, लेकिन ऐसा हो न सका। इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन, 6 गेंदों में 9 रन बनाकर स्ट्राइक पर गौरव, और वैसे ही 7 में 17 बनाकर नॉन स्ट्राइक रन पर अमृत भाई। हेलो, तो मैं बताना चाहूँगा कि ग्रुप बी का आज पहला मुकाबला चलता हुआ मांगल्य समाज वर्सेस मुस्लिम समाज के बीच, जिसमें पहले टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया था और मुस्लिम समाज को आमंत्रित किया था और अच्छी गेंदबाजी की बदौलत उनको रखा था 50 के आसपास। अच्छी बॉलिंग यहाँ पे, बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहाँ पे, बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ पे, बल्लेबाज को थोड़ा सा बांधा है, देखो सामने यहाँ पे बता रहे अमृत भाई 7 में 17 मारे हैं और 8 में 9 बनाकर गौरव हल्के से थर्ड मैन रीजन में ये निकाल दिया है 1 रन बना करके। शायद यही कहा था कि भाई आप 1 ले लो और मुझे स्ट्राइक दे दो, मैं फटाफट खेल देता हूँ, यही शायद होता हुआ यहाँ पे दोनों टीमों के बीच में। अगला मुकाबला यहाँ पे होने वाला है वो मायावंशी समाज और बारी समाज के बीच में। मायावंशी समाज के कप्तान ने टॉस जीता पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, और ये सुंदर यहाँ पे सुंदर शॉट है, क्या ये कैच कर पाएंगे, बहुत ही सुंदर प्रयास यहाँ पे, बहुत ही सुंदर प्रयास साकीब के द्वारा, बहुत ही सुंदर प्रयास किया था लेकिन पर्याप्त नहीं था, इस बीच दोनों बल्लेबाज ने दौड़ करके 2 रन पूरे कर लिए। बल्लेबाज जो करना चाहते थे कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे 1 बाई के रूप में रन हासिल होता हुआ और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद विदाउट लॉस 30-30 तीन ओवर की समाप्ति के बाद। मुस्लिम इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 44 रन बनाए थे, 45 रनों का टारगेट यहाँ पे मिला है और उसके जवाब में फिलहाल यहां पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 30 रन। 30 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए, 30 गेंदों में 15 रन चाहिए। तीस रन टीम का स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति के बाद, 30 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है। अच्छा शॉट, अच्छी शुरुआत यहां पे 1 रन के लिए निकले हैं
और एक ही यहाँ पे मिलने वाला है। एक के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने छोर बदली किए और इसी के साथ डबल अंक पहुँचे हैं। 9 में 10 रन बना करके गौरव भाई खेल रहे हैं और 10 गेंदों में 20 रन बनाकर विजय भाई, अमृत भाई और इसी के साथ पे चिकी सिंगल चुराने का यहां पे प्रयास किया था। दो सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ चौथे ओवर में 32। इस बार दिशा भटके है, अंपायर का इशारा भी आया है वहां से कि वाइड के साथ 1 रनों की बढ़ोतरी होती हुई 33 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 विदाउट लॉस चौथे ओवर में। आगे निकल करके स्वीप करने का बल्लेबाज का प्रयास का, लेकिन नसीब ने भाग्य ने साथ दिया यहां पे कि ये गेंद स्टंप के ऊपर नहीं थी, अन्यथा खतरा हो सकता था, लेकिन ऐसा हो न सका। इस बार 2 कदम बाहर निकाले, गेंद हवा में है, ये अच्छा कैच हो सकता था, प्रयास बहुत ही अच्छा, अच्छा कैच भी हो सकता था, लेकिन जब डाइव मारी बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा और हाथों से कैच छूटा। सुंदर यहां पे देखो, गलती से सीखो, हवा में नहीं खेलो और धीरे से खेल करके 1 रन सेफली खेलो और 1 रन हासिल करो। यहां पे 1 रन हासिल करते हुए पैंतीस टीम का स्कोर और इसी के साथ सीधा खेला है बॉल ऑफ बैक ड्राइव, लॉन्ग ऑफ एक्शन में है, लॉन्ग ऑन भी एक्शन में है, बैकअप में है लॉन्ग ऑन, यहाँ पे 1 रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद। ड्रिंक्स ब्रेक। से मैं कहूंगा तो ये नहीं कि मांगेला समाज जीत गई, लेकिन एक तरफा ये मुकाबला बना दिया है, क्योंकि अब रन बहुत कम चाहिए, गेंदे बहुत ज्यादा है और बहुत कम रन बने हैं पहली मुकाबले में, जहां मांगेला समाज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। तो ग्रुप बी में टीम है भंडारी 11, दरियादिल ढाबेल, बारी 11, मुस्लिम 11, मराठा 11, मांगेला 11, सोलंकी 11 और मायावंशी 11। तो इसके बाद का जो दूसरा मुकाबला होगा आपको बिल्कुल मायावंशी आरसीबी की ड्रेस कोड में नजर आएगी, वहीं बारी 11 मुंबई इंडियंस के ड्रेस कोड में नजर आएगी। अभी अभी दोनों टीमों का टॉस हो चुका है और मायावंशी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है। बिल्कुल बहुत खुश थे यहाँ विजय भाई धमनिया। और जहाँ तक बात करूँ हैट्रिक विकेट की, तो इस टूर्नामेंट में अभी तक हर्षल पटेल धर्म 11 की ओर से जिन्होंने हैट्रिक विकेट ली है, और महेंद्र हरपति जिनकी टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है लेकिन उन्होंने भी हैट्रिक विकेट ली है। ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ, और हैट्रिक सिक्सर लगाई हर्षल पटेल धरन मिलन की ओर से, उनकी टीम आगे की तरफ निकली है। और वहीं हेमंग पटेल की 2 बार जिन्होंने हैट्रिक सिक्सर लगाई, इनकी टीम भी आगे की तरफ पहले पायदान पर रही है। ये लाइव टेलीकास्ट हमारे बीच में फॉर्चून इवेंट लाइव टेलीकास्ट, गणेश भाई और उनकी टीम यहाँ पे सेवा में है। हमारे जो ये कमेंट्री जहाँ से आपको जो मिल रही है, हमारे डीजे मास्टर जो है मेहुल भाई और क्रिक हीरोज के हमारे आफ्ताब भाई, और वैसे हमारे जो
मैनुअल स्कोरर जो है साहिल भाई, साकी भाई है गेंदबाजी करते हुए, साकी भाई है गेंदबाजी करने के लिए। पहली चार में 36 और दूसरी आने वाली चार में यहां पे रन चाहिए 9 और इसमें देखो यहां पे शुरुआत। सीजन वन जो टीम जीती थी चैंपियन बनी थी फैंसी 11 और सीजन टू में बनी थी चैंपियन मुस्लिम समाज और सीजन थ्री में बनी थी चैंपियन जेडी किंग्स। और वहां जहां तक बात करूं हैट्रिक सिक्सर और हैट्रिक विकेट लेने वाले को फैंसी फैमिली की ओर से 2100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं स्पीरा जिगूभाई डायाभाई पटेल की ओर से भी 2100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। और वहीं बात करूँ जो टीम में टॉप पर रहेगी तो रियाज शेख इनाया के ऑनर की ओर से 2500 का इनाम है जो कल फैंसी 11 को दे दिया गया। और ग्रुप बी में भी जो टीम टॉप पर रहेगी तो उसको रियाज शेख इनाया की ऑनर से 2500 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत साकिक पे द्वारा, पहली बॉल के साथ ही विकेट यहाँ पे हासिल करी है। टीम के कप्तान प्रशांत आए हैं, विकेट गई तो कोई बात नहीं, देखो हम शुरुआत करते हैं, हम उदाहरण देते हैं 6 के साथ खाता खोला है कप्तान प्रशांत। थी कोई टेंशन भी नहीं था, 6 के साथ कप्तान ने खाता खोला था, ओवर स्टेपिंग किया था यहाँ पे और जिसकी बदौलत यहाँ पे फ्री हिट मिली थी, लेकिन फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। और ये फिर से बड़ा हिट मारने का यहाँ पे प्रयास किया था पूर्वानुमान के साथ, एक अंदाज से एक अलग स्टाइल से मारने का प्रयास किया था कप्तान ने, लेकिन सफल नहीं हो पाए, बच गए यहाँ पे कि गेंद ने किनारा नहीं लिया या स्टंप का संपर्क नहीं किया। और ये अच्छा शॉट मारा है, सिंगल यहां पे मिलेगा जरूर, जहां पे मुत्तु फील्डिंग करते हुए एक रन के साथ टीम का स्कोर लेवल हो चुका है, स्कोर लेवल हो चुका है, सिर्फ 1 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए मांगेलास 11 को। ऐसा लग रहा था कि ये गेंद टच कर जाएगी, थर्ड मैन रीजन में चली जाएगी, 1 रन ले लेंगे, लेकिन कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। जब आपकी कामगिरी बैट और बल्ले से होती है तो आपको जवाब मिलता है उसका, और तभी आपका काम संपन्न होता है। अरे हल्के से जेंटल पुश किया है और ये देखो विनिंग स्ट्रोक यहां पे मारा है 1 रन के साथ, और इसी के साथ 45 और ये 9 विकेट से मुकाबला मांगेला 11 ने जीत लिया है। पहला मुकाबला यहां पे संपन्न होता हुआ, मांगेला टीम ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, 44 पे रोका था मुस्लिम 11।